Good morning friends, welcome to Destiny Commerce Classes. जैसा कि हम लोगों का एडमिशन ऑफ पार्टनर का सीरीज चल रहा है और सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को बहुत मदद मिल रही होगी और जो भी आप लोगों के द्वारा प्रॉब्लम बताया जा रहा है उसको समय दर समय ठीक भी किया जा रहा है। कल इसी क्रम में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है जिस और प्रॉपर नंबर दे दिया है जिससे स्टूडेंट्स को खोजने में परेशानी नहीं हो। वो वन नंबर वाइज 1, 2, 3, 4 करके दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 6 तक कैलकुलेशन ऑफ रेशियो और वीडियो नंबर 7 से लेकर के आगे आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। आज आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कल मैंने 27 का सी तक ख़त्म कर दिया था, आज हम लोग शॉर्ट में सारा का रिवाइज कर लेंगे कि आखिर ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या था। देखिए ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग जो है पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें ये प्रीमियम फॉर गुडविल का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि जब भी कोई साझेदार बिजनेस में आता है तो कुछ न कुछ गुडविल का पैसा लेकर आता है। अब देखिए उस समय विभिन्न जर्नल एंट्री, ये क्या क्या जर्नल एंट्री होते हैं इस पर ध्यान देंगे। देखिए तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय जो भी पार्टनर लेकर के पैसा आता है कैपिटल के अलावा, सच इज कॉल्ड गुडविल और एडमिशन ऑफ पार्टनर में उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। ये गुडविल जो है इसके लिए कई एक तरह का जर्नल एंट्री होता है। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन, गुडविल का पैसा लाया जाता है या दो तरह से लाया जाता है, पहला हो गया कैश नगद में और दूसरा हो गया नॉट फॉर कैश, कि गुडविल का पैसा लाएगा चाहे तो नगद लाएगा और चाहे तो नगद नहीं लाएगा। ये दो सिचुएशन है, ये हो गए फर्स्ट और ये हो गए सेकेंड। अब देखिए जब कैश लाता है तो इसमें तीन स्थिति बनती है कि भाई पैसा जो है तीन तरह से देता है, एक प्राइवेट है ना, मेरे को जब आप ट्यूशन फी देते हो तो दो तरह से दे सकते हो, कोचिंग के बाहर यानी प्राइवेट, तो जब प्राइवेट रहे तो नो जर्नल एंट्री, यहाँ मैंने लिख दिया है ना, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। दूसरा हो गया रिटेन इन बिजनेस, कि आपने गुडविल का पैसा दिया और उस पैसा को हम बिजनेस में रहने दें, तो ऐसे स्थिति में दो जर्नल एंट्री होगा, पहला कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल है ना। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैसा बिजनेस में आप देते हैं गुडविल का उसको ओल्ड पार्टनर, उस पर याद रखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल पे हमेशा ओल्ड पार्टनर का राइट होता है, इसे वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ये जो सेकंड जर्नल एंट्री होगा ना, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटता है। तो कभी कभी अगर न्यू पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर इस गुडविल का पैसा निकालना चाहे तो क्या होगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा सारा कि गुडविल का पैसा प्राइवेट दिया बिजनेस में है या निकाल लिया, जैसा बोलेगा वैसा वैसा जर्नल एंट्री करेंगे। अगर बिजनेस से निकाल ले हाफ विड्रॉन, आधा पैसा निकाल ले या पूरा ही पैसा मान लो निकाल ले, तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो गलत हो गया ना, ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ये गलत लिख दिया मैंने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर और टू बैंक अकाउंट है ना। लेकिन ये कब होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब आप समझें कि अगर कोई बिजनेस में कोई नया साझेदार आता है और गुडविल का पैसा वो निकाल रहा हो, अगर गुडविल का पैसा बिजनेस में, तो एक और दो जर्नल एंट्री होंगे, अगर बिजनेस से निकाल रहा है तो फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब ये दोनों कर कर ये तीसरा भी होगा। इसके लिए आप एस के सिंह का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर में ही हाफ विड्रॉन वाला क्वेश्चन आया होगा, तो उसमें इस तरह का जर्नल एंट्री किया जाता है। प्रॉपर आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए भाई, ये तो हो गया कैश जब गुडविल का पैसा नगद लाए तो, अब दूसरी तरफ देखिए नॉट फॉर कैश, कि अगर गुडविल का पैसा बिजनेस के रूप में नहीं लाता तो क्या होता है, तो भाई नॉट फॉर कैश जब गुडविल का पैसा नगद नहीं लाता तो ऐसी स्थिति में भी दो सिचुएशन बनता है, टोटल अमाउंट कि क्या पूरा पैसा बिजनेस में नहीं लाया और सम पार्ट कुछ पैसा बिजनेस में नहीं लाया। अगर टोटल अमाउंट नहीं लेकर आता है, पूरा पैसा गुडविल का नहीं लेकर आए, तो ऐसी स्थिति में जो जर्नल एंट्री होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जर्नल एंट्री है, अगर कोई नया साझेदार गुडविल का पैसा नहीं लाता है, पूरा पूरी पैसा नहीं लेकर के आता है, तो ऐसी स्थिति में होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर है ना, न्यू पार्टनर्स का जो है कैपिटल नहीं सॉरी करेंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है ना। इसी से संबंधित क्वेश्चन आपका 27A, B, C और हिडन गुडविल में बनाया है हमने, यूट्यूब पर प्रॉपर वीडियो है कि अगर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो उसका करेंट अकाउंट डेबिट करते हैं टू ओल्ड पार्टनर। अच्छा ये ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में होगा भाई, तो ये आपका होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आगे आ जाइए अगर सम पार्ट, कि कुछ पैसा गुडविल का नहीं लाता है, कि नहीं भाई 40,000 लाना था उसमें 10,000 वो नहीं लेकर के आया है, 20,000 का वो कुछ संपत्ति लेकर चलाया, तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन काइंड,
कि गुडविल का पैसा क्या लाया गया, काइंड मतलब दयालुतापूर्वक लाया गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, न्यू पार्टनर जो असेट लेकर आएगा, सन्ड्री असेट्स अकाउंट DR और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो ये था आपका पूरा का पूरा, मैंने पूरे गुडविल का एक शॉर्ट टर्म में कोशिश किया कि आपको मैं समझा सकूं। अब आगे देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि कहीं कहीं पे एक चीज़ और है, गुडविल रिटर्न ऑफ या ओल्ड गुडविल या गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स से संबंधित क्वेश्चन दे देते हैं। मतलब जो भी आप क्वेश्चन बना रहे होंगे उसमें दिया हुआ रहेगा कि बिजनेस का ओल्ड गुडविल इतना है। तो ऐसी स्थिति में जब ये रहेगा तो उसके लिए आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री एक अलग से पास करना होगा, सबसे ऊपर में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। अगर कभी भी क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दे दे तो आपको हमेशा ये जर्नल एंट्री पास करना है। तो यही है आपका टोटल गुडविल का, आपका ये है, और इसको मैंने नोट्स तैयार किया है, अगर आप चाहें तो इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए, इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ठीक इसके नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का ए और 28 का बी, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और उससे पता चलता है कि आपका गुडविल कितना आप बना सकते हैं, गुडविल के क्वेश्चन आपसे कितने सॉल्व हो सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, इस गुडविल के क्वेश्चन बनाने में कहीं कहीं पे हिडन गुडविल, इसके बाद आएगा हिडन गुडविल, तो वो अलग से, उसमें कोई जर्नल एंट्री याद करना नहीं है, उसमें 5 स्टेप है जो वीडियो आपके 8, 9 या 10 वीडियो में आपका बताया गया है, तो उससे आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।